वेलकम टू S19 एजुकेटर्स YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक मैंने पीछे जो भी वीडियोस अपलोड किए हैं वो बेसिकली इंग्लिस और खासकर क्लासेस को देखकर बनाई गई थी। आज हम मैथ्स को लेकर बनाएंगे। मैथ्स में अलजेब्रिक बेसिक आइडेंटिटीज के ऊपर कुछ वीडियोस हम पार्ट में अपलोड करेंगे, क्योंकि अगर कोई वीडियो लंबी हो जाती है तो आप सभी के साथ में प्रॉब्लम होगी। देखने वाले जितने व्यूवर्स हैं वो भी ज़्यादा टाइम उनके पास होता है, इसलिए वीडियो हम शॉर्ट टर्म में करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा के अंदर हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी है। अगर सबसे पहले हम पहली आइडेंटिटी की बात करते हैं, जैसे ए प्लस बी दो अलजेब्रिक टर्म्स है, अगर इसका स्क्वायर निकालना है तो ये होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी। ए माइनस बी का स्क्वायर तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी। तीसरी आइडेंटिटी की बात करें, अगर कोई टर्म प्लस में हो ए प्लस बी और a माइनस बी तो ऑलवेज होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर तो आपका क्या होगा, इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर कट जाएगा और a भी बन जाएगा। तो इस आइडेंटिटी से ये ड्राइव करके बनाया गया है। अगर इसको बनाते हैं a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में a माइनस b। अगर a माइनस b निकालनी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए प्लस बी। तो आपको इस तरीके से तो ये तीन आइडेंटिटी को हमने ड्राइव करके फॉर्मेशन करके हमने ये टोटल चार और बनाई है। ये चार आइडेंटिटी हमने यूज की है कि अगर ये गिवन हो तो ये वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं, अगर ये गिवन हो तो ये निकाल सकते हैं। अगर इस आइडेंटिटी को और ड्राइव किया जाए तो हम उसको ऐसे निकाल सकते हैं कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर कैलकुलेट करना है तो 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर मुझे a माइनस b का होल स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि उन दोनों आइडेंटिटी से ये ड्राइव किया गया। ऐसी अगली है कि अगर मुझे a प्लस b का होल स्क्वायर निकालना है तो हम उसको कर सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 4ab। और अगर मुझे a माइनस b का होल स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो हम लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो ये कुछ तीन हमारे सामने बेसिक आइडेंटिटी थी, हमने इसको ड्राइव करके और एडवांस में बना दिया जिसके हम आगे और यूज करेंगे। इसके अलावा और भी हैं तो इसको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी समझ में आई हो, पसंद आई हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल S19 एजुकेटर। सब्सक्राइब करें,
साथ में आप आइकन बेल को प्रेस करें ताकि मैं जो भी टाइप की इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए लाऊं तो आपका उसके आपको उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। और साथ में इसे लाइक करें। अगर किसी भी तरह का कोई सुझाव सजेशन या किसी तरह की कोई कमी रहती है तो आप उसके लिए हमें सजेशन दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट टाइप करें, हम उसका आपको प्रॉपर तरीके से रिप्लाई देंगे। थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।